हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज हम करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे ये वीडियो जो है वो एच पी टैट के लिए रहने वाली है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इनमें से क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे ठीक है तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डिफिकल्ट एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज एक बच्चे के लिए जो मोस्ट डिफ़िकल्ट एज होती है उसके विकास के लिए वो कौन सी होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सभी को पता होगा कि टीन जो है ना वो बच्चों के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट एज होती है ठीक है टीन में ना बच्चों को बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं तो टीन जो है इसको टॉम एज जो है ये भी कहा जाता है तो ये भी याद रखना है कि किसको जो है वो इंस्टॉल जो है वो कहा जाता है तो ये भी आपकी टीन को ही कहा जाता है ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इनमें से कौन सा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपकी औरल क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं बट एम जो है वो आपका इसमें नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल जो है वो नहीं है तो एम जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं होगा ठीक है बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एबसेंटिज़म कैन बी टैकल्ड बाय तो एबसेंटिज़म जो है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है उसको टैकल किया जा सकता है कॉन्ट कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं बच्चे के उनके साथ कॉन्टैक्ट करके जो एबसेंटिज़म है उसको टैकल किया जा सकता है बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें आपको बच्चे के पेरेंट्स से बात करके ही पता चलेंगी ठीक है तो किससे कॉन्टैक्ट करना है पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करना है नेक्स्ट है If a child has a mental ऑफ of ईयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल chronological ऑफ फोर ईयर्स years, then विल बी द the IQ ऑफ a चाइल्ड इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और एक नए question क्वेश्चन जो है वो हर हर बार आता ही आता है ठीक है जहाँ पे आपको जो है वो मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज दी गई होगी फिर आपको आई निकालना होगा या फिर आपको मेंटल हेज निकालनी होगी इस तरह के क्वेश्चन एक न एक आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए मतलब ये वाला क्वेश्चन आप पक्का करके जाइए क्योंकि एक नंबर यहाँ से आपका पक्का है और आपको पता है कि अगर आपके 90 मार्क्स नहीं आते हैं आप 89 नाइन पर अटक जाते हो इट मीन्स आपका टैट जो है वो क्वालीफाई नहीं होता तो एक एक नंबर की ना बहुत अहमियत होती है एक एक नंबर की वैल्यू जो है वो करनी चाहिए हमें चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि मेंटल एज जो है वो फाइव ईयर है और क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो फोर ईयर है तो आई का जो फार्मूला है वो सबसे पहले हम देखते हैं आई का फार्मूला क्या कहता है आई का फार्मूला कहता है एम ए अपोन सी ए ठीक है इं टू हंड्रेड तो यहाँ से आपने जो है आई क्यू का फार्मूला मैंने आपको बता दिया अब आपने जो है वो एज निकालनी है जो आपकी मेंटल एज है वो आपने ऊपर रखनी है ठीक है जैसे फाइव आपके पास मेंटल एज दी गई है फिर आपके पास क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो दी गई है फोर वो आपने नीचे रखनी है ठीक है और ये जो है हंड्रेड इसी तरह से आ जाएगा ओके okay. अब आपने देखना है कि आई जो है वो बच्चे का क्या होने वाला है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा, आएगा आपका वन बच्चे का जो आई है वो होगा वन आई होप इतना क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो है कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है तो ये जो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि डेवलपमेंट से रिलेट करता है तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी डेवलपमेंट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती अगर आप बच्चे हैं तब भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है आप टीन हैं तब भी आपकी डेवलपमेंट चली हुई है यूथ हैं आप आप अडल्ट उसके बाद आप ओल्ड एज में भी आपकी डेवलपमेंट जो है वो रुकती नहीं है चलती ही रहती है जब तक कि आपकी डेथ नहीं हो जाती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टिंक्ट theory ऑफ मोटिवेशन was प्रोपाउंडेड बाय instinct theory ऑफ मोटिवेशन जो है ये किसने दी है तो इंस्टिंक्ट theory ऑफ मोटिवेशन दी है मैकडगल ने ठीक है मैकडगल का नाम आपने याद रखना है नेक्स्ट है हु गेव द थ्यूरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इसको आप जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए ये आपका सी टेट में भी पूछा जाता है और एच पी टेट में भी पूछा जाता है इंपॉर्टेंट नाम है ये गार्डनर का ठीक है जिन्होंने दी है आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने आई थिंक एट टाइप की बताई है इंटेलिजेंस जहाँ तक मुझे याद है ये टाइप्स बताए हैं इन्होंने इंटेलिजेंस के और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ठीक है गार्डनर ने ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्शिया हैज़ डिफिकल्टी इन तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन भी आपने पढ़ पढ़ के जाने हैं डिसग्राफ डिसग्राफिया जो है वो किससे रिलेटेड है डिसलेक्शिया किससे रिलेटेड है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो डिस्लैक्शिया जो है वो है आपकी रीडिंग और स्पेलिंग डिफिकल्टी यह है आपका डिस्लेक्सिया और जो डिस्क्राफिया है वो है आपका हैंड राइटिंग से ठीक है नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू हो जाती है तो जब तक कि आप पैदा भी नहीं हुए होते हैं जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब से जो है वो आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है वो कौन सी स्टेज है वो है आपकी प्री नटल स्टेज ठीक है प्री स्टेज है फिर जब आप पैदा हो जाते हैं तो आते हैं आप स्टेज ऑफ इन्फेंसी में फिर आप फिर आप आते हैं प्री चाइल्डहुड स्टेज में उसके बाद आप आते हैं पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज इतना क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉम एंड स्ट्राइक इज़ द स्टेटमेंट ऑफ देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जो अडोलिसंस है जो आपकी टीन एज है ना उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं अडोलेसेंस एज ठीक है ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉम स्ट्राइक की जो एज है ये किसने कहा है किसका कथन है कि अडोलीसेंस जो है वो थंडर एंड स्टॉम की स्टेज है तो ये कहा है आपका स्टेनले हॉल ने यह याद ये जो नाम है ये आपने याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ गिवन द लॉ ऑफ रेडिनेस तो लॉ ऑफ रेडिनेस जो है ये किसने दिया है ये दिया है आपका थनडाइक ने नैक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्यूरी ऑफ लर्निंग वॉज फार्मुलेटेड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग थ्यूरी जो है लर्निंग की किसने दी है तो ये दी है पेवलॉव ने यह भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलैक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की फोर स्टेजेस हैं वो किसने दी है तो ये दी है आपकी प्याजे ने कौन कौन सी थी हमने देखा था सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है फिर आपकी ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है फिर ऑपरेशनल स्टेज आती है और फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है ठीक है फोर स्टेजेस बताई है बच्चों के इंटेलेक्चुअल की नेक्स्ट है आपका द स्टेज फ्रॉम टू टू सिक्स ईयर इज़ कॉल्ड दो से छः साल तक के जो बच्चे हैं वो स्टेज जो है वो क्या कहलाती है तो वो है आपका प्री चाइल्डहुड इन्फेंसी नहीं होगा ये आपका प्री चाइल्डहुड होगा इन्फेंसी होगा आपका जीरो टू टू ईयर्स जब आप जन्म लेते हैं बर्थ भी लिख सकते हैं आप जीरो की जगह आप लिख सकते हैं बर्थ ठीक है बर्थ टू टू ईयर्स तक जो है ये आपकी इन्फेंसी स्टेज है और प्री चाइल्डहुड है टू से सिक्स ईयर्स तक ठीक है फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड आता है और उसके बाद एडोलेसेंस आती है नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक एट द स्टेज ऑफ जीन प्याजे ने जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे ईगो सेंट्रिक नहीं रहते हैं कौन सी स्टेज में तो ये हैं आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसमें बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक नहीं रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्नेशन इनमें से कौन सा एक काग्नेशन का कॉम्पोनेंट नहीं है तो कागनेशन में आपके थाट्स भी आते हैं अटेंशन भी आती है परसैप्शन भी आती है बट फीलिंग्स जो है वो काग्नेशन का पार्ट नहीं है ठीक है कागनीशन का पार्ट नहीं है आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ को चलती है डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलती है हमेशा याद रखना डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलेगी ठीक है आपने बच्चों को देखा होगा जब शुरू में आप उनको लिखवाने की कोशिश करते हैं पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा क्या करता है पूरे के पूरे हाथ से जो है दो तीन उंगलियों के बीच में पेंसिल नहीं पकड़ पाता पूरे हाथ से जो पेंसिल पकड़ने की कोशिश करता है ठीक है आपने अक्सर देखा होगा क्यों क्योंकि वो क्या है पहले ग्रॉस मोटर स्टेज आती है पहले बच्चों की जो मसल्स हैं वो मसल्स बच्चों की पूरी मसल्स जो है एक एक काम नहीं करते स्पेसिफिक रूप से तो इसमें आएगा जनरल टू स्पेसिफिक नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक इज बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ ये स्टेटमेंट कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है वो किस बे बेस्ड है तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ट्राई करेंगे गलतियाँ होंगी फिर से ट्राई करेंगे फिर से गलतियाँ होंगी इस तरह से आप सीखते हैं ठीक है नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले स्पोर्ट्स इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले या स्पोर्ट्स हैं उसको एजुकेशन में किसने इंट्रोड्यूस करवाया तो इसको जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे एरिस्टोटल अरस्तु राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन इज कॉल्ड तो इसका आपका राइट आंसर होगा आई सी टी ठीक है आई होप इतना क्लियर है तो ये छोटी सी वीडियो थी आज की जिसमें हमने चार्ल्स एकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी इंडियन जीके और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर रहने वाली है क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्टेटाइज अगली वीडियो का वेट कीजिए और अगली वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है हम थर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी लेकिन आपके काम की रहेगी और उसमें से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर